वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग जाने वाले हैं आगरा के लिए। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूं अभी आगरा में। यह है मॉर्निंग का टाइम, यहां पर मैं रुका हुआ था। कितना अपोजिट लग रहा है, बड़ा कंफ्यूजन था मुझे। मुझे ये फील हो रहा था कि मॉर्निंग इधर उधर जो इधर से निकला है, कहीं किसी नई जगह पर जाओ तो बड़ा उल्टा 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 फील होता है। तो अभी मैं यहाँ से निकलूँगा ताजमहल के लिए, ताजमहल घूमने जाऊँगा। भूख ज़्यादा लग गई थी तो यहाँ से कुछ खा पी के फिर एंट्री लेते हैं। फिलहाल फाइनली हम लोग आगरा के गेट पे पहुँच चुके और यहाँ साथ में मेरे हैं दीपक भाई। मिला है, क्या मिला है, क्या नाम है इसका? शूज कवर। तो इसको अंदर जाएंगे तो पहनेंगे। कि वहाँ से हम लोग एंट्री लिए हैं बैक साइड से की साइड, चल के देखते हैं। पहली बार आया हूँ, एक बार और आया था लेकिन फ्राइडे के दिन आया था, तो फ्राइडे के दिन ये क्लोज रहता है, तो केवल इधर फोर्ट घूम के चला गया था। देखो इधर लिखा है जेंट्स, इधर लिखा है लेडीज, उधर लिखा पार्लर। 50 रुपये का टिकट है, 100 रुपये के 2 टिकट मिले हैं। ये क्वाइन अभी मैं लेफ्ट साइड लेके जाऊंगा, फिर वहां से एंट्री हो। ताजमहल में एंट्री लेने से पहले जो फर्स्ट एंट्रेंस गेट होता है, तो जो बाहर का पार्ट है ये वहां का लुक मैं दिखा रहा हूँ। अभी मेन जगह पर हम लोग एंट्री नहीं किए हैं। ये ताजमहल का मैप है और यहाँ से हम लोग एंट्री लेंगे। जाना है पहले वाला। बताएं, ये टिकट लगेगा इसका, जो वीडियो थी ये लिखा। इसका कोई टिकट नहीं है, बात पूछे थे। कैमरा यूज़ करने का फालतू में 25 रुपये का टिकट लगा दिया इन लोगों ने, जबकि ऐसा कुछ बाहर मेंशन नहीं था, फिर भी 25 रुपये का टिकट इन्होंने काट दिया। ये ताजमहल का बीच का पोर्शन है, यहाँ पर खड़े होकर चारों साइड में हमको एक ही जैसा लगता है। जो मेन साइड है उस साइड ताजमहल है। चूँकि मार्च का समय है और शाम का टाइम है, तो ये देखिए कितना गजब का लुक लग रहा है ताजमहल। ये लेफ्ट साइड में मेरे बहुत ही अच्छा लुक निकल के आ रहा है यहाँ पे। और एक अच्छी खासी धूप भी है और लोग यहाँ पे सेल्फी ले रहे हैं, फ़ोटोज़ खिंचा रहे हैं। वही पुरानी वाली स्टाइल में देखो, अंकल जी फ़ोटो खिंचा रहे हैं। बाकी काफ़ी बढ़िया देखने में, पता नहीं कितने साल हो गए इसको, 400 साल से भी ज़्यादा हो गए, तब भी ये बिल्कुल वैसे ही दिखता है अभी भी। ताजमहल को 1983 में यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल के रूप में नामित किया गया था। भारत में मुस्लिम कला का गहना और दुनिया की विरासत की सार्वभौमिक प्रशंसनीय कृतियों में से एक, लोगों ने इसे मुगल वास्तुकला का सर्वोत्तम उदाहरण माना है और ये भारत के समृद्ध इतिहास का प्रतीक भी माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि ताजमहल को शाहजहां ने अपनी रानी मुमताज़ महल की याद में 1631 ईस्वी में बनवाया था। ताजमहल भारत के उत्तर प्रदेश के जो आगरा नामक ज़िला है वहाँ पर स्थित है। पिछली बार मैं रेड फोर्ट पे गया था क्योंकि उस दिन फ्राइडे था, तो फ्राइडे के दिन ताजमहल बंद रहता है, तो रेड फोर्ट से ताजमहल क्लियर दिखता है। और शायद ही शाहजहां ने इसको यमुना नदी के किनारे इसलिए बनवाया था कि जब वो अपने किले से यानी कि रेड फोर्ट से कभी भी उनको मुमताज़ की याद आए तो वहाँ से एक क्लियर व्यू उनको दिख सके, अपनी यादों को वो ताज़ा कर सके। मेरे हिसाब से शायद ऐसा था। आगरा जो ज़िला है वो प्राचीन काल में अंगिरा कहा जाता था इसको, क्योंकि यहाँ पे एक अंगिरा ऋषि थे, उनकी ये तपोभूमि मानी जाती थी, वो भगवान शिव के उपासक माने जाते थे। भारत में ताजमहल एक सुंदर, सबसे आकर्षक ऐतिहासिक जगह है। ये भारत का एक सांस्कृतिक स्मारक है। यहाँ भारतीयों के साथ साथ विदेशी भी आते हैं और आराम से इंजॉय करते हैं। ऐसा माना जाता है कि ताजमहल दिन में 3 बार अपना रंग बदलता है। इसके निर्माण में कम से कम 1000 हाथियों का इस्तेमाल किया गया था। ताजमहल को बनवाने में लगभग 20,000 से भी ज़्यादा मजदूर लगे थे और 22 सालों में इसको बना करके तैयार किया गया था।
ये लगभग 22 एकड़ में फैला हुआ है। ऐसा माना जाता है कि शाहजहाँ का जो मन था वो मध्य प्रदेश में था कि ताजमहल बनवाया जाएगा, लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि उस समय मुमताज़ का प्रेगनेंसी का टाइम था तो उनकी डेथ हो गई थी। तो दुर्भाग्य से बुहारनपुर में जो पर्याप्त संगमरमर था वहाँ पे वो पर्याप्त नहीं मिल पाया, तो शायद इसी वजह से ताजमहल बनाने का वहाँ निर्णय नहीं लिया गया। हालांकि ये बात कितनी सच है ये तो कंफर्म नहीं है, लेकिन ऐसा कुछ लोग बताते हैं। मज़दूरों के हाथ काटे गए थे या नहीं काटे गए थे ये तो कंफर्म नहीं है, लेकिन लोग ऐसा कहते हैं कि मज़दूरों के हाथ कटवा दिए गए थे ताकि दोबारा फिर ऐसा स्मारक नहीं बनाया जा सके। अभी इस बात में कितनी सच्चाई है इसका कोई साक्ष्य भी प्रस्तुत नहीं हो पाया है, लेकिन इतना तो कंफर्म था कि हाँ, श्रमिकों को अच्छी तनख्वाह दी जाती थी और अच्छे खाना पीना की व्यवस्था थी, और ताजमहल के निर्माण के लिए उन्होंने जितना कौशल दिखाया उसका सम्मान जितना किया जाए उतना ही कम है। ताजमहल के केंद्र में शाहजहाँ और उनकी जो पत्नी मुमताज़ थी दोनों की कब्रें हैं, और इनके अलावा भी जो इनके नौकर थे और इनकी अन्य पत्नियां थीं उनके भी मकबरे यहाँ पे बनाए गए हैं। इसको कैसे ढाला होगा यार, पता नहीं कितना ज़बरदस्त बनाया गया है। अंदर क्या दिखाने की कोशिश करते हैं, पत्थर हैं, पत्थर पड़े हुए संगमरमर का बना है। ये बाहर है साइड में ताजमहल, और इधर है यमुना नदी, जस्ट पीछे ही है। अभी तो फिलहाल सूख गया है। अच्छा वो देखो रेड फोर्ट यहाँ से दिख रहा है, यहाँ से रेड फोर्ट दिख रहा है ना। पानी फिलहाल कम है अभी, कृपया यहाँ पे पैसे ना डालें, ठीक है मत डालो। हाँ बेसमेंट हुई। अच्छा बेसमेंट का रास्ता भी है, नदी जाए वाला तो कोई गुप्त रास्ता भाई। हाँ कोई गुप्त रास्ता इसमें रहा होगा, ये अंदर जाने का रास्ता है। यहाँ से मुख्य मकबरे का जो टिकट मिलता है 150 या 200 रुपये का है, तो यहाँ लेफ्ट साइड में टिकट मिलेगा, तो टिकट ले करके वहाँ पे एंट्री ली जाती है, और वो पैर में जो आप लोग को दिखाए थे अभी स्टार्टिंग में वो पहन करके यहाँ जाया जाता है। अभी मैं यहाँ पे बैठ करके सेल्फी लेने जा रहा हूँ, और सेल्फ़ी बहुत ही अच्छी आ रही है, यहाँ से ऐसे बैठ करके बहुत अच्छी फ़ोटो आ रही है। सेल्फ़ी तो और भी अच्छी आ रही, पूरा का पूरा ताजमहल कवर हो रहा है इसमें। मेरे हिसाब से घूमने के लिए बहुत अच्छी जगह है, और सबको यहाँ पर एक बार विज़िट करना चाहिए। मेरा भी एक सपना था कि मैं ताजमहल घूमने जाऊँगा, और काफ़ी अच्छी जगह है घूमने के पर्पज़ से, और स्पेशली सेल्फी पॉइंट एंड फोटोज़ वगैरह आप लोग यहाँ पे ले सकते हैं, जो कि बहुत अच्छा आता है। लोग ताज को बाय बाय करने जा रहे हैं, बाय 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 बाय, फिर मिलेंगे कभी। ये बाहर निकलने वाला गेट है, यहाँ से फाइनली हम लोग बाहर निकल लिए हैं। यहाँ भी थोड़ा सा अच्छा लगता है, काफ़ी बड़ा है, ऐसा नहीं कि यहाँ काफ़ी बड़ा क्षेत्र है, बहुत बड़ा है। आई थिंक 10,000 लोग पर डे यहाँ पे विजिट करते हैं। 50 रुपये टिकट के हिसाब से आप जोड़ सकते हैं कितना हुआ, और अंदर भी टिकट लगता है।
ताजमहल को देख करके काफ़ी ज़्यादा मुझे तो बहुत मज़ा आया। थोड़ा सा धूप थी, अब लगभग 5 बजने वाले हैं, अब घूमने वाला था क्योंकि धूप में ये संगमरमर का जो धूप लगती है तगड़े से, उसमें से और ज़्यादा गर्मी पैदा होती है। अभी का टाइम जो है 5 बजे हैं, इस टाइम घूमने वाला होता है बढ़िया। तो अब ज़्यादा लेट करेंगे तो हम लोग की ट्रेन भी लेट हो जाएगी, बहुत दिक्कत हो जाएगी। अभी दीपक भाई बताएंगे कि उनको क्या क्या मज़ा आया घूम के पहल के। फाइनली थोड़ा सा उनसे पूछते हैं, भाई दीपक भाई को कैसा लगा बताइए। भैया कैसा लगा आपको? एकदम बहुत बढ़िया लगा यार, थोड़ा सा एक्सपीरियंस शेयर करिए। अब हम लोग यहाँ से निकलेंगे फाइनली, बिना सिक्का के भैया बाहर नहीं जा पाओगे। सिक्का कहाँ गया यार? सिक्का है ये वाला, सिक्का डालेंगे तो हम लोग बाहर जाने को पाएंगे। पानी निकल रहे हैं, कंफर्म कंफर्म निकले? किसमें डालना है? बस वीडियो बन गया। सिक्का डालो बाहर जाओ, पेश कर लो, समझ में आएगा तो ले लेना, नहीं तो कोई बात नहीं, देखने का अच्छा लगे लेना। हमारे दीपक भैया अभी आगे तक पेटा टेस्ट करके आते हैं, तब तक मैं यहाँ पे खड़ा हूँ। नहीं नहीं, अभी इसको वीडियो बनाओ ना। अच्छा अच्छा, वीडियो बनाओ। भैया भैया भी देख लो, भैया भी हम दोनों लोग देखेंगे। आगे का पेठा भैया दिखा दो। मैं दुकान के नाम को क्या है आपके? भारत मार्बल स्टोर जी। अंगूरी पेठा भैया, केसर पेठा, पाइनएप्पल, मैंगो, ये चार वाला है फ्लेवर वाला, अंगूरी, केसर, इलायची, स्ट्रॉबेरी। कोई सा भी बॉक्स लेंगे 150 का पर बॉक्स है। आप टेस्ट करके देखो, केसर वाला ये वाला है, रेट कैसा है सबका? कोई सा भी लेंगे 150 का। अभी दादी कितनी दूर है लगभग? वो तो पुलिस की गाड़ी आई, मैडम आ गई, सो हम इस वजह से भाग जाए इधर, आगे बेचते। तो क्या दिक्कत है मतलब? अरे वो छीन के ले आते हैं माल, टोकरी को देते नहीं। पुलिस वाले आपकी टोकरी क्यों छीनेंगे? बढ़िया तो भाई उसकी तो चल रही है नौकरी है भैया, हमारी तरह ही सड़क पर। फाइनली अब हम लोग यहाँ से निकलते हैं और मैंने ले लिया है तांगा, और तांगे वाली फुल वीडियो आपको देखनी हो तो आप मेरे पुराने वीडियोस में जा कर के देख सकते हैं। और हाँ एक बात और बता दूँ, अगर पेठा खरीदने जा रहे हैं तो मुझे अंकल ने भी रिसेंटली बताया, तो आप थोड़ा सावधानी से लीजिए क्योंकि उसमें बहुत सड़ा गला माल दे देते हैं, ऊपर से आपको अच्छा दिखेगा, जैसे आप घर पर ले जाएंगे तो वो पूरा सड़ जाएगा, ख़राब जाएगा। तो ठीक से लें, ध्यान से लें, बड़े ही सादा वाला लें, लेकिन थोड़ा ध्यान से पेठा ख़रीदें। तो वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।